ये एसके एंटरप्राइज का ऑटो हैंड एजर मशीन है। यहाँ पर ऑटो एजर का व्हील लगा है, सीआर रफ, ग्लास मीडियम रफ, फाइन, वीक रूई, सुप्रा। अब हम आपको सीआर और ग्लास का ग्राइंडिंग करके बताएंगे। सबसे पहले सीआर को आपको जितना काटना है जो फ्रेम से मार्किंग कीजिए और रफ कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा ऑल इन वन लेटेस्ट ऑटो एजर क्वालिटी हैंड एजर मशीन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआर को बिना कटिंग किए, बिना काटे डायरेक्ट रफ व्हील से ग्राइंडिंग किया जाता है। दिस इज अवर ऑटो हैंड एजर। हियर वी आर यूजिंग ऑटो एजर ओरिजिनल व्हील ऑफ डायमंड व्हील इन अवर हैंड एजिंग मशीन। देयर इज अ बिग हैवी शाफ्ट हैवी मोटर आप देख सकते हैं कि सीआर पर मार्किंग किया है। मोटा सा 60 एमएम का थिकनेस, 10-12 एमएम मोटा ग्लास है। पानी का बहाव जरूरी है, ये ड्राई नहीं होता है, पाउडर उड़ता नहीं है। मार्किंग किया हुआ है, वहाँ से हल्का सा बाकी रह जाए इतना आपको ग्राइंडिंग करना है। देखिए आप लगातार उससे इतना तेज़ी से पूरा एक फेज पूरा कर दिया। ये डेमो पीस का जो फ्रेम है उसका जो एक ग्लास है उसके हिसाब से यहाँ मार्किंग किया गया है। दोनों हाथ से आप उसको ग्लास को होल्ड करके जितना दबाओगे माप से इतना वो तेज कटिंग करेगा। सीआर है इसलिए आपको पहले रफ व्हील पर ही ग्राइंडिंग करना है। अगर ग्लास है तो आपको मीडियम रफ पर, बाजू में दिए गए मीडियम रफ पर ग्राइंडिंग करना है। सीआर का सीआर पे ही ग्राइंडिंग करना है। मार्किंग तक आ ना जाए तब तक आपको रफ पर ही ग्राइंडिंग करना है, उसके बाद आपको सीधा मीडियम रफ पर फिनिशिंग करना होगा। ये पूरा रफ व्हील है जो 8-10 साल तक उसको कुछ नहीं होता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पानी लगाना। आप देख सकते हैं कि ओनली एक हाथ से दो उंगली के बीच में पकड़ के सीआर ग्राइंड हो रहा है। ये दुनिया में पहला व्हील मशीन होगा कि जो आपको इतनी सुविधा दे रहा है। 2-3 लाख के ऑटो एजर में ये सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ पर आपको हैंड एजर में ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये ट्रे है होल्ड करने के लिए, फोल्डिंग ट्रे है, पानी का ये कॉक है जो सुविधा अनुसार आप उसको घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं अब मार्किंग के बहुत नज़दीक हो गया है, करीब 1.5 मिनट होने को आया है। 2-3 मिनट में यानी आपका एक ग्लास हो जाता है। अगर दो हाथ से आप दबाओगे तो और थोड़ा तेज होगा। अब लगभग हो जाने को आया है, अब हम इसको घुमा के बाजू में जो मीडियम रफ है जो सीआर को थोड़ा फिनिश भी करता है, कटाई भी करता है और ग्लास का सीधा कटाई करता है, उस पर अपने ग्राइंड करके फाइनल कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रह गया है तो आप हल्का सा बाजू में भी कर सकते हो, लेकिन ये अभी थोड़ा लाइन से जो चीज़ बड़ा है उसको वहाँ पर करके और नज़दीक ले लो। यहाँ हल्की सी कटाई भी होती है और फिनिश वर्क भी होता है। आप देख सकते हैं कि ये व्हील के ऊपर थोड़ा भी प्लास्टिक या सीआर का कोई भी
चीज चौटा नहीं है, सारा कट गया, लेंस बिना टूटे सेफली अपना गोलाई अपना फ्रेम का सेप ले रहा है। ये डायमंड व्हील की कमाल है, ये इतना अच्छा क्वालिटी का बना हुआ है। अब ये तैयार हो गया, अब इसको बाजू में अपने फिनिश व्हील पर फाइन व्हील पर उसका फिनिशिंग करेंगे। अभी हल्का सा इसको घुमाने से ये पानी वहाँ पर घूमता है, पानी का बहाव पूरा ज़्यादा होना ज़रूरी है। कई लोग इसको बंद करके पानी बिगड़ा हुआ यूज़ करते हैं, उससे व्हील की लाइफ कम हो जाती है। अब डेमो लेंस के साथ आप देख सकते हैं डेमो लेंस के साथ ये मैच हो गया, यानी एक ग्लास इस तरह से तैयार हो गया। इसकी एज भी बिगड़ी नहीं, कंप्लीट हो गया। आप इसके कोने पे वी ग्रूइंग और सुप्रा कर सकते हैं। वी ग्रूइंग के लिए स्पेशल व्हील है, पानी उस तरफ लगा के अगर फुल फ्रेम फिटिंग करना है वी ग्रू। तरह से सेंटर से दबाने से यहाँ पर वी ग्रूइंग होता है। अब इसी तरह सुप्रा ग्रूइंग करना हो इसकी धार पर, आप सुप्रा ग्रूइंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसके एंटरप्राइज का ऑटो हैंड एजर मशीन, जिस पर आप सीआर का कंप्लीट काम का डेमो देख सकते हैं। अब हम आपको ग्लास लेंस का शीशे का काम करके दिखा रहे हैं। अब आप देखिए शीशे में, सीआर में आपने एकदम रफ फील यूज किया था, अब यहाँ पर आपको ग्लास में मीडियम रफ फील से काम करना है। इसको भी इसी तरह मार्किंग करना है, आप कर लो। अभी ये डायरेक्ट शीशा है, उसको काटोगे तो अच्छा है, लेकिन बिना काटे भी आपको बता रहे हैं कि कैसे काम करता है। वहां पर सीआर पर करने से वो चिपिंग करता है, वहां नहीं करना है अपने को, इस पर करना है। ध्यान दिया जाए वहां पर बड़ी चिप आ सकती है। अगर आपको आँख फोड़नी है तो वहाँ पर करो, सेफ्टी है तो करो, बाकी मीडियम रफ पर सेकंड व्हील पर ही ये इसका काम किया जाएगा। मैक्सिमम 10-15 मिनट में आप सारा काम निपटा सकते हो, और अगर आपने थोड़ा ग्लास कटिंग किया हुआ है तो और कम टाइम में ये तैयार हो सकता है। ये हमारा बिन अनुभवी आदमी भी ये ग्लास को किस तरह से काट रहा है वो आप देख सकते हैं।
आप तो मास्टर हो, आप इससे भी फास्ट काम कर सकते हो। हमारा ये लाइन नहीं है, हमारा प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी हम आपको इसका डेमो दिखा रहे हैं। देखिए, ये दो साइड तो आपका मार्किंग तक आ गई। हम आपको 15 मिनट का ये ऑडियो वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें आपको एक पैर यानी कि एक सीआर का है और एक ग्लास का शीशा करके आपको दिखाया है, यानी मीडियम रफ में इतनी ताकत है कि वो शीशे को तोड़े बगैर उसका पूरा ग्राइंडिंग करता है। तीन धार हो गई, इसमें हल्की सी चिपिंग आती है, उसके बगल में जो फाइन व्हील है वो उसको बाद में फिनिश करेगा। ये मोटा मोटा शेप पूरा ले लो आप, ये तो अभी हम आपको स्पीडीली काम कैसे किया जाए वो दिखा रहे हैं, बाकी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि कितना स्पीड से ये काम दे रहा है। अब ये तैयार हो गया, अब हम इसका फिनिशिंग करेंगे। पानी उस पर गिरना जरूरी है, लगातार पानी एक सरखा डालो, इससे व्हील की लाइफ बढ़ती है। ये फाइन व्हील पर काम हो रहा है, पानी मापनू राखो, बहु हो तो ओछू कर दे, उड़े देखियो। आप देख सकते हैं ये शीशा तैयार हो गया, साफ करके आपको दिखा रहे, क्या जात का बस बताए का चाहिए। अब ये जो हल्का सा जो चिपिंग है वो वी ग्रु में आप पूरा निकाल सकते हो, सीधे व्हील पर भी निकल जाएगा। आप आपके हिसाब से उसका फिनिश वर्क कर सकते हैं। अब हम आपको इसका वी ग्रूइंग में हल्का सा बताते, एक सिरे को वी ग्रू करके दिखा रहे, यहाँ डाल के आप फुल फिटिंग के लिए वी ग्रू का काम भी कर सकते हैं। हल्का सा दबाने पर पूरा वी ग्रूइंग भी हो सकता है, इसी तरह आप उसको सुपरा भी कर सकते हैं, कोने से धार से इसका सुपरा वर्क होता है। इस तरह से इसका सुपरा का काम भी हो सकता है। तो ये था हमारा एसके एंटरप्राइज का ऑटो हैंड एजर सीआर और ग्लास के लिए कंप्लीट मशीन। ये वर्ल्ड का पहला मशीन है जिसमें आप इतनी तेजी से सीआर, पॉलीकार्बोनेट और ग्लास सबका एक ही साथ में काम कर सकते हो, जिसमें आपको ऑटो एजर का व्हील दिया गया है, जो ऑटो एजर में जिस व्हील की कीमत 40-50 हज़ार होती है, यहाँ पर हम आपको मुफ्त के भाव में ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है हमारा एसके एंटरप्राइज का नया आविष्कार। हाँ जी, एसके एंटरप्राइज आपको आपका साथी, आपके लिए जो भी चीज़ बनाता है लॉन्ग लाइफ चलने वाली, आपको विश्वास में लेके बनाने वाली। थैंक यू।